ओके, तो यहाँ पे देखेंगे इस चीज को हम लोग चेक करेंगे, ये आपका सीरीज ऑफ फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो ये आपको जो सीरीज दिया हुआ है उसको हम लोग क्या ले लिए, एक से जो सीरीज दिया उसको लोग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मान लिए यहाँ पे। ठीक है, इसका टर्म ये एम एन ले लिए, ये हम लोग सिक्वेंस ले लिए। और ये सिक्वेंस देखिए आप, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू टू है। तो आपको अगर पी का वैल्यू वन से ग्रेटर होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा, और पी का वैल्यू वन से कम होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। पी का वैल्यू टू हो गया, इसका मतलब ये जो है आपका वन बाई एन स्क्वायर जो है आपका ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, और अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो ये जो आपका पूरा सीरीज जो होगा आपका एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी साइन एन एक्स बाय एन स्क्वायर, ये जो होगा ये क्या होगा आपका, ये आपका, ठीक है, ये भी आपका क्या है, सीरीज ऑफ फंक्शन है, सीरीज ऑफ फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इसका निकालेंगे, इसका वैल्यू ये आपका क्या होगा, साइन एन एक्स बाई क्या होगा, एन टू द पावर पी। अब यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग अगर लिखेंगे क्या आ जाएगा, इसका देखें क्या आ जाएगा, साइन वन एक्स बाई क्या होगा, वन पे पावर पी, ये होगा साइन टू एक्स बाई टू पे पावर पी, साइन थ्री एक्स बाई थ्री पे पावर पी, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ से अगर ये वैल्यू आ गया तो आपको ये चीज़ हम लोग देखते हैं, साइन एन एक्स बाई क्या, एन पे पावर पी, ये जो है आपका इसमें आ जाएगा क्या, वन बाई एन पे पावर पी, ये जो है इट इज कन्वर्जेंट, ये एम एन जो है आपका, एम एन इक्वल टू आपका क्या होगा, आपका वन बाई एन पी, एम एन इक्वल टू क्या होगा, वन बाई एन पी, ये जो है ये आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, इट इज कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट, ये आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा इफ पी इज ग्रेटर देन वन एंड इट इज डाइवर्जेंट, इट इज डाइवर्जेंट इफ पी इक्वल टू लेस देन वन। इसका मतलब आप समझ लेंगे यहाँ पे, ये अगर आपका ऐसा हो, जैसे देखिए साइन एन एक्स पाई, अगर एन पे पावर क्या हो जाए, पी का वैल्यू कुछ भी हो, एक दो तीन चार पाँच, मतलब कुछ भी हो, यहाँ पे पी का वैल्यू क्या हो आपका, या तो टू हो या तो थ्री हो या तो फोर हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यू सी होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, यू सी होगा। और जैसे ही इसका पी का वैल्यू क्या होगा आपका, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, ये सब जैसे भी होगा तो क्या होगा, नॉट। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे, इसके लिए आपको इस चीज़ को आपको ध्यान देंगे कि आपका यू सी कब होगा, वो क्या है, एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी कॉस एन एक्स बाई क्या, एन टू द पावर फोर, ये दिया होगा। ठीक, उसी तरह हम लोग इसको भी बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू लिख लेते हैं। हम लोग ये जो वैल्यू हम लोग के पास है क्या दिया हुआ, देखें यहाँ पे एफ एन एक्स का जो वैल्यू होगा आपका, ये क्या होगा हम लोग के पास, कॉस एन एक्स बाई क्या होगा, एन टू द पावर फोर। यहाँ से वैल्यू हम लोग लिखते चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कॉस वन एक्स बाई वन टू द पावर फोर, फिर क्या होगा, कॉस टू एक्स बाई टू टू द पावर फोर, सो वन। ठीक है, अब इसको भी हम लोग ले लेते हैं, क्या लेंगे हम लोग, यह ले लेंगे कॉस एन एक्स बाई एन टू द पावर फोर इज लेस देन क्या होगा आपका, वन बाई एन टू द पावर फोर, और ये जो है आपका एम एन का वैल्यू अगर इसको ले लें हम लोग वन बाई एन फोर, ये जो आपका क्या होगा, इट इज कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट इफ इफ पी इज ग्रेटर देन वन, यानी पी का वैल्यू कितना आपका, फोर, तो ये आपका क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये जो सीरीज होगा आपका, नंबर में है क्या आपका, एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी में आपका यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू क्या आपका, साइन एन एक्स, साइन एन एक्स स्क्वायर, साइन एन एक्स स्क्वायर प्लस क्या आपका एन एक्स डिवाइडेड बाई क्या आपका एन इंटू एन प्लस वन, ये दिया हुआ। ठीक, अब यहाँ पे समझेंगे इस चीज़ को, ये आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया हुआ आपको, ये साइन क्या आपका एन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो है आपका डिवाइडेड बाय क्या इंटू एन प्लस क्या, एन प्लस वन। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, साइन क्या है आपका एन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स का होल डिवाइडेड बाय एन इंटू एन प्लस वन, ये आपका, ये क्या होगा आपका, वन बाई क्या होगा एन इंटू एन प्लस वन। अगर इसको हम लोग एम एन ले लेंगे वैल्यू, तो एम एन इक्वल टू अगर ले लेंगे वन बाई एन इंटू एन प्लस वन ले लेंगे, ये कैसा है आपका, ये आपका अगर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे अगर कोई टेस्ट अप्लाई करेंगे
ये क्या हो जाएगा आपका, इट इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, ये आपका ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो यहाँ से आपका जो ये आपका निकल के आ जाएगा साइन एन एक्स स्क्वायर, साइन एन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन इंटू एन प्लस वन। ये क्या होगा आपका, एक यू सी होगा। जो सीरीज है आपका सिक्वेंस, सीरीज ऑफ फंक्शन है, वो क्या है, कन्वर्जेंट है कि यू सी है कि नहीं यू सी है। ठीक है, तो आपको ये देखेंगे, ये आपका सिक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया हुआ आपका वन बाई क्या है एन स्क्वायर इंटू क्या आपका एन प्लस वन है, ये दिया हुआ है आपका। अगर इसके टर्म्स अगर निकालना चाहें तो इसका टर्म्स भी निकाल सकते हैं। आपका ये वन होगा, ये वन प्लस वन होगा, फिर आपका यहाँ पे क्या होगा वन होगा, यहाँ टू होगा, टू स्क्वायर ये क्या होगा आपका टू प्लस वन होगा, सो वन होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो हम लोग को ये चीज़ देखते हैं एफ एन एक्स जो है बायमेन टेस्ट हम लोग का क्या होगा, हम लोग का एक हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं फंक्शन को। तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, आप लोग एम एन लेंगे, तो यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग लिख देते हैं फंक्शन का क्या होगा, वन बाई एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन। ये आपका जो है एक सेट एक को हम लोग मान लेते हैं, क्या मानेंगे यहाँ पे एम एन को क्या मान रहे हैं, वन बाई एन का स्क्वायर। अब एम एन इक्वल टू क्या मान लिए हम लोग, ये मान लिए वन बाई एन का स्क्वायर। और आपको पता होगा ये आपका जो है आपका ये आपको पता होगा वन बाई एन पी, ये जब पी इज ग्रेटर देन वन तो ये क्या होगा, इट इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, ये क्या होता है आपका, कन्वर्जेंट होता है। अच्छा, पी इक्वल टू यहाँ पे पी का वैल्यू कितना आपका टू है, पी इक्वल टू टू है, तो यहाँ पे एम एन इक्वल टू जो होगा आपका ये क्या होगा, इट इज़ क्या होगा आपका, कन्वर्जेंट। और ये अगर कन्वर्जेंट हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल जो सीरीज होगा आपका एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन बाई क्या होगा आपका एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन, ये क्या होगा आपका यू सी। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या आपका एन इक्वल टू वन टू क्या, एन इक्वल टू क्या आपका इन्फिनिटी दिया हुआ है। अब इसको भी जिसका वैल्यू दिया हुआ क्या एक्स एन एक्स पे पावर टू एन बाई क्या आपका एन का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक, तो आप इसी तरह इसको भी यहाँ पे ले लें, आप यहाँ पे देखिए इसका क्या बनेगा, इसका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होगा आपका एक्स टू दी पावर टू एन इंटू क्या होगा आपका एन का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको अगर हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को पता होगा यहाँ पे एम एन एक्स जो होगा आपका लेस देन क्या होगा आपका एम एन होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स पे पावर टू एन बाई क्या होगा आपका एन का स्क्वायर, ये भी क्या होगा आपका एन स्क्वायर। सो एम एन इक्वल टू क्या आपका वन बाई सॉरी एम एन इक्वल टू क्या आपका वन बाई क्या आपका एन स्क्वायर। सो इट इज़ कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट। ठीक है, अभी तुरंत बताया पी टेस्ट से ये कन्वर्जेंट होगा, तो क्या होगा आपका ये जो टोटल सीरीज होगा आपका एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ये आपका एक्स पावर टू एन बाई क्या आपका एन का स्क्वायर, ये आपका क्या होगा एक यू सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए आप नंबर सेवन में आपका दिया होगा एन इक्वल टू वन टू एन इक्वल टू क्या आपका इन्फिनिटी, और ये क्या आपका एक्स पी पावर है, एक्स पी पावर क्या है आपका एन बाय एन इंटू एन प्लस क्या है वन। तो यहाँ पे देखेंगे इसका वैल्यू कितना आपका एफ एन एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एन एक्स इक्वल टू दिया हुआ आपका एक्स पी पावर एन बाय एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, ये आपका दिया हुआ ये वैल्यू जो आपका होगा एफ एन एक्स इक्वल टू जो होगा आपका क्या होगा एम एन होगा, और एम एन का वैल्यू कितना देखें आप एक्स पी पावर एन इंटू एन प्लस क्या होगा वन होगा। ठीक है, इसको हम क्या ले लेते हैं वन बाई एन लेते हैं। तो ये जो होगा आपका ये हम लोग के पास इंटरवल में कितना दिया हुआ हम लोग के पास माइनस वन से वन देखना। ठीक है, तो माइनस वन से वन देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये वैल्यू वन हो जाएगा आपका, यहाँ से एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वन बाई एन, एन का यहाँ पे पी इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, और इसमें ये लाइक करता है तो ये क्या हो जाएगा आपका ये जो आपका आ जाएगा वो क्या होगा आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, ये अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो पूरा जो एन इक्वल टू वन टू एन इक्वल टू क्या होगा आपका इन्फिनिटी एक्स पी पावर एन इंटू एन इंटू एन प्लस वन, ये क्या होगा आपका एक यू सी होगा। डेस्टिलेट आपको टेस्ट आपको पता होगा इसमें क्या था, डेस्टिलेट टेस्ट में अगर वी एन क्या है आपका मोनोटोनिक फंक्शन है। ठीक है, वी एन क्या है आपका मोनोटोनिक अगर कोई फंक्शन है। ठीक है, और यू एन जो है आपका यू एन क्या होता था या तो कन्वर्जेंट होता था या क्या होता था ऑक्जिलेटिव होता था। ठीक है, या तो क्या होता था ऑक्जिलेट करता था। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा आपका एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वी एन इंटू यू एन जो होता था आपका वो क्या होता था यू सी होता था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यू एन को इसको ले लेते हैं। तो ठीक है, यू एन इक्वल टू क्या ले लेते हैं, ये आप एन इक्वल टू वन इक्वल टू क्या है इन्फिनिटी आपका दिया होगा
ये आपका माइनस वन टू की पावर है। जब इसको आप तोड़ेंगे क्या आ जाएगा आपका, देखिए माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन, इसका मतलब ये क्या आपका यू एन जो है आपका निकलेगा, यू एन इज ऑब्जरेटिव। ठीक है, ये आपका यू एन क्या करता है, ऑब्जरेटिव करता है। ये तुम लोग का पहला कंडीशन आ गया हम लोग के पास, अब वी एन। अब हम लोग इसको ले लेते हैं क्या वी एन, अब हम लोग को वी एन को क्या दिखाना है हम लोग के पास, ये तो कन्वर्ज या मोनोटोनिक फंक्शन दिखाना होगा हम लोग के पास। तो वी एन इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं क्या एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू वन टू क्या ले लेते हैं इन्फिनिटी, और ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एन बाई क्या होगा एन का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर बाई प्लस एन बाई एन का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एन बाई एक्स का स्क्वायर। ये जो वैल्यू होगा आपका, ये वैल्यू क्या होगा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे एक के हम क्या लेते हैं एम का स्क्वायर, एम का स्क्वायर प्लस एन एक्स को हम लोग ले लेंगे एम का स्क्वायर प्लस एन बाई एन का स्क्वायर। ठीक है, ये ले लेते हैं, ये चीज़ को ले लेते हैं। ये जो है आपको, आप इस चीज़ को समझेंगे, ये जो बी एन जो है आपका एक ऐसा होगा होगा पॉजिटिव, जो बी एन जो होगा आपका एक पॉजिटिव तो है ही, पॉजिटिव डिक्रीजिंग फंक्शन है आपका, पॉजिटिव डिक्रीजिंग क्या आपका फंक्शन है, ये हमेशा क्या होगा आपका घटते चलेगा, क्योंकि आपका वन बाई एन का स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका घटते चलेगा आपका, और ये क्या आ जाएगा आपका, सॉरी इसको यस, ये तो आपका क्या होगा घटते चलेगा, ये आपका जो वैल्यू अधिकार एन फोर फंक्शन फोर एन इन क्लोज इंटरवल मान लेते हैं क्या एक्स वन और एक्स टू। ठीक है, एक्स वन और एक्स टू में क्या होगा वो घटते चलेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि और एन टेंड्स टू जीरो, इसमें क्या होगा आपका टेंड्स टू जीरो, और ये किसको टेंड करेगा जीरो को, टेंड्स टू जीरो, और ये जीरो कब करेगा जब एक्स का जो वैल्यू या तो एक्स वन से बड़ा होगा या इक्वल होगा या एक्स टू से होगा, इस तरह करके होगा। ठीक, एक्स का वैल्यू इसमें वो क्या होगा आपका, इसमें वो क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग द बाई ड्रेसलेट टेस्ट, हम लोग को ब्लड बाई ड्रेसलेट टेस्ट यही कहता है इसी चीज़ को, बाई ड्रेसलेट टेस्ट जो होगा आपका, ये जो जो सीरीज होगा आपका एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी जो होगा आपका माइनस वन टू दी पावर एन इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एन बाई क्या होगा आपका, ये सॉरी यहाँ पे एम नहीं लिखें, यहाँ पे आप एक्स ही लिखें, बाई क्या होगा आपका एन का स्क्वायर, ये जो होगा आपका ये क्या आ जाएगा आपका एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, कहाँ पे एक क्लोज इंटरवल पे आप यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा आपका। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा कब होगा आपका एक्स वन एक्स टू जब यहाँ पे टॉपिक ले लेते हैं इसमें, क्योंकि हम लोग सिर्फ यूनिफॉर्म वर्ड को लिए हैं, इसलिए हम सारा यूनिफॉर्म की चीज़ों को बता दिए हम आपको। एक तो आपको यूनिफॉर्म का वर्ड हमको सिर्फ आपको सिक्वेंस के लिए डिफाइन कर दिए, सीरीज के लिए कर दिए, फंक्शन के लिए कर दिए, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, सारा का सारा हमको क्लियर कर चुके। अब ये थोड़ा सा कंटिन्यूटी का भी है, जो आपको सारा कुछ इसमें डिस्कस कर चुके हैं कंटिन्यूटी में ही, फिर भी यहाँ पे इस पॉइंट को ले लिए इस थोड़ा डिस्कस करने के लिए। आप देखें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली आपको जो हम डिस्कस करेंगे ये हम लोग कोई सिक्वेंस और सीरीज का पार्ट पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, फंक्शन के ऊपर। मतलब यहाँ पे जो आपको फंक्शन का लिमिट आपको पढ़ाए थे एलसीडी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंस भी उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी तो निकालने हम लोग के लिए आता है, कंटिन्यूटी क्या होता है आपको पता होगा, अगर लिमिट का एग्जिस्टेंस हो, लिमिट का अप्रोच राइट से और राइट लेफ्ट से जो लिमिट का अप्रोच अगर सेम हो जाए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट होगा और उस पॉइंट पे भी अगर जो वैल्यू होगा वो भी सेम आ जाए, तो हम लोग उसको कंटिन्यूटी कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक वर्ड और डिफाइन ले लेते हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होगा। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, अब सबसे पहले एक चीज़ आप समझेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को इंटरवल पर डिफाइन किया जाता है। ये एक आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है इंटरवल फेनोमिना है, आपको ये समझेंगे। ये जो आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है आपका यहाँ पे फंक्शन के लिए, ये एक इंटरवल पे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एक इंटरवल पे, जबकि कंटिन्यूटी हम लोग पहले किस में डिफाइन करते थे, आपको पहले बताया आपको कंटिन्यूटी जो फंक्शन का किस में डिफाइन करते थे, कोई पॉइंट पे, मतलब मान लेते कि एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन लेते थे हम लोग, क्या बताइए एफ एक्स इक्वल टू क्या आपका एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू वन, ये आपका कंटिन्यूस है कि नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह में क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू वन। अब यहाँ पे ये हम लोग कंटिन्यूटी की बात था, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग के पास इंटरवल होगा। ठीक है, कोई क्लोज इंटरवल, कोई इंटरवल होगा हम लोग के पास, और यो इंटरवल पे हम लोग चेक करेंगे कि क्या इंटरवल पे वो आपका यूसी आपको देगा कि नहीं देगा। ये चीज़ आपका डिफरेंस होता है कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में। और सबसे पहले एक बात और, आपका जो भी यूसी होगा, जो भी यूसी होगा सारा का सारा सी होगा, मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो भी होगा आपका सारा का सारा कंटिन्यूटी होगा, मतलब कंटिन्यूस फंक्शन होगा आपका। नेक्स्ट जो है यूसी जो होता है हम लोग एक इंटरवल में होता है, और ये जो होता है एक पॉइंट पे होता है, यानी पॉइंट फेनोमिना है, ये आपका एक इंटरवल फेनोमिना है। इसके बाद
अगर कोई यूशी है मतलब, तो उसका हर पॉइंट पे भी आपका यूशी होगा उस इंटरवल पे। अगला, अगर एफ और जी, एफ और जी और कोई आपका यूसी है, एफ और जी क्या यूसी है, तो एफ माइनस जी भी क्या होगा उसी इंटरवल पे, क्या होगा आपका यूसी होगा उसी इंटरवल पे, क्या होगा यूसी होगा। लेकिन एफ इंटू जी ये आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसका जो प्रोडक्ट ऑफ टू यूसी इज मे बी यूसी और मे बी और मे नॉट बी यूसी, ठीक है। ये सारा चीज़ इसका यूसी का इसका प्रॉपर्टीज होता है, आपको इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे आप ये। और दूसरी बात है कि जो यूसी होता है एक डिस्टेंस फंक्शन होता है, डिस्टेंस फंक्शन मतलब होता है कि हम लोग डिस्टेंस का फंक्शन का मतलब एक जगह दूसरी जगह का डिस्टेंस को हम लोग फंक्शन का डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम लोग। तो आपको ये सारा चीज़ आपको डिफाइन कर चुके हैं हम, यूसी कहेंगे कहाँ पे, कहीं इंटरवल में। यहाँ पे एक आपका ये एक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट होगा, देन ये अगर एग्जिस्ट हो जाएगा आपका, जब ये आपके पास एप्सिलॉन दिया हुआ रहेगा जो जीरो से बड़ा होगा, वहाँ से अगर आपके डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट हो जाए तो समझ जाना वो यूसी में जाएगा। कैसा होना चाहिए आपका, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन दोनों का जो इंटरवल का जो पॉइंट का जो फंक्शन का जो आपका डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए आपका, वो एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। वेयर एक्स टू माइनस एक्स वन इज क्या होगा आपका, एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल क्या होगा आपका, एप्सिलॉन से कम होगा आपका। ये चीज़ आपको कंडीशन होता है आपका। ये सारा यूसी का आप लोगों का क्वेश्चन, यूसी का कॉन्सेप्ट हम लोग एक क्वेश्चन इसमें भी कर लेते हैं कि आगे यूसी क्या होता है। यूसी में आपको जनरली आपको एक चीज़ समझना, ये फंक्शन की पार्ट है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर देते हैं यूसी का। एक्चुअली जो यूसी का क्वेश्चन आप लोग कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग कंटिन्यूटी की तरह ही हम लोग इसमें आएंगे, लेकिन कंटिन्यूटी के तो कंटिन्यूटी में पॉइंट होता है तो यहाँ पे इंटरवल होगा, यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन इस डिस्टेंस फंक्शन को हम लोग लेंगे। तो एक क्वेश्चन देखिए आप, ओके तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन ये है हम लोग के पास, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर। आपको एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल अभी हम जो एग्जांपल लिए थे वही एग्जांपल ले रहे हैं। ऑन यहाँ पे हम लोग एक इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है। इंटरवल क्या ले लेते हैं हम लोग, माइनस टू से टू। अब यहाँ पे चेक करना है कि ये आपका यूसी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये आपका एक क्लोज इंटरवल है, इस क्लोज इंटरवल हम लोग के पास ये देखना है कि यूसी होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो फंक्शन ये है आपका, हम लोग के पास एप्सिलॉन दिया हुआ, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, ये आपका दिया हुआ है आपका। अब यहाँ से हम लोग के पास जो जो वैल्यू है हम लोग का यहाँ पे लेना पड़ेगा, हम लोग का लेट एक्स वन एंड एक्स टू, दो पॉइंट हम लोग लेंगे, लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी एनी टू पॉइंट्स ऑन कहाँ ले रहे हैं, माइनस टू और टू के बीच हम लोग क्या ले रहे हैं, दो पॉइंट इसमें ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि जो x1 जो होगा वो क्या होगा आपका, x1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका, लेस देन और इक्वल टू क्या होगा आपका, टू होगा। क्या होगा, x1 की का वैल्यू जो होगा आपका लेस देन इक्वल टू टू होगा, और x2 का भी वैल्यू क्या होगा आपका, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू होगा, जब मॉड्यूलस लेंगे इसका। अब यहाँ से हम लोग के पास जो फंक्शन दिया हुआ है, हम लोग के पास फंक्शन यहाँ पे क्लियर से दिया हुआ है आपका, एफ एक्स इक्वल टू क्या आपका, एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है। अब नाउ अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसमें यूजिंग डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, हम लोग के पास जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो डेफिनेशन क्या है, देखने आप क्या आपका एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू, ये क्या आपका लेस देन क्या आपका एप्सिलॉन, वेन क्या आपका एक्स वन माइनस एक्स टू जो होगा लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन, और यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू किससे बिलोंग करता है आपका, इंटरवल से बिलोंग करता है। ये तो इसका हम डेफिनेशन लिखा दिए। अब सारे का वैल्यू भी लिखते थे, एफ एक्स वन का वैल्यू क्या होगा आपका देखेंगे, अगर एफ एक्स वन का वैल्यू अगर लिखेंगे, अगर ये एफ एक्स वन है तो यहाँ पे एफ एक्स वन अगर वैल्यू लेंगे तो क्या होगा आपका, एक्स वन का स्क्वायर, और अगर दूसरा लेंगे हम लोग एफ एक्स टू का वैल्यू लेंगे तो क्या होगा हम लोग के पास, एक्स टू का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग दोनों वैल्यू लेते हैं, क्या होगा आपका एक्स वन का स्क्वायर माइनस क्या होगा एक्स टू का स्क्वायर, ये जो वैल्यू हमेशा कम होगा, ठीक है। ये वैल्यू जो उसका वैल्यू जो होगा हम लोग के पास ये हमेशा कम होगा। ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है आपका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स वन प्लस क्या होगा आपका एक्स टू, और एक्स वन माइनस क्या होगा आपका एक्स टू, ये आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू क्या होगा आपका ए माइनस बी, ये यूज कर लिए हम लोग। अब एक्स वन का वैल्यू आपका दिया हुआ है टू दिया हुआ, एक्स टू का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास
दो दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोग के पास दो दिया हुआ, जिसको हम लिख सकते हैं इसको, इसको हमको हमको चाहिए क्या, देख लीजिए अब हमको चाहिए क्या, एक्स वन माइनस एक्स टू चाहिए, ठीक है, हम लोग को एक्स वन माइनस एक्स टू चाहिए, यहाँ पे एक्स वन माइनस एक्स टू हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसको हम लोग ये इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, हम लोग एक्स वन माइनस एक्स टू का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग के पास, आपको पता होगा कि आपको एक एक फॉर्मूला आपको है, आपको पता होगा ये, अगर आपके पास ये अगर एक्स वन प्लस क्या आपका एक्स टू हो, इसको हम लोग ऐसा लिख दें, क्या होगा ये आपका मॉडुलस एब्सोल्यूट का आपका फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग अलग अलग करेंगे, ये क्या होगा आपका लेस देन इक्वल टू होगा, और ये क्या आपका एज इट इज हो जाएगा, आपका एक्स वन माइनस क्या हो जाएगा आपका एक्स वन माइनस क्या होगा आपका एक्स टू, और इसके अलावा जो है ये आपका ये रहेगा, ये इसको हम लोग इसमें चेंज कर देते हैं, तो ये क्या होगा आपका एक्स वन प्लस क्या होगा आपका एक्स टू, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, एक्स वन का वैल्यू का मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ आपका टू प्लस टू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग इनफिनिटी तो इक्वल टू से इनफिनिटी लाने के लिए हम लोग के पास क्या करना पड़ेगा, हम लोग ये इसको यूज करना पड़ा, तभी इक्वल टू कन्वर्ट आपके इनफिनिटी में हो गया, ठीक है, ये इसी चीज़ इसी एब्सोल्यूट वैल्यू का हम लोग यूज़ किए हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक्स वन माइनस एक्स टू का जो वैल्यू हम लोग के पास एज इट इज दिया हुआ आपका, सॉरी नहीं दिया हुआ इसका, हमको इसको चाहिए ही इसको एक्स वन माइनस एक्स टू, और इसका वैल्यू कितना आपका टू प्लस टू इक्वल टू क्या होगा आपका फोर, तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं फोर, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग फोर, और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा आपका एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है, फोर एक्स वन माइनस एक्स टू आ जाएगा आपका, और ये जो वैल्यू आपका क्या है देखते हैं, लेस देन क्या है आपका एप्सिलॉन, ये आपका लेस देन क्या आ गया आपका एप्सिलॉन। अब यहाँ से हम लोग के पास जो है क्या आ जाएगा, इसको हम लोग अगर इसको इसके इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखें इसको अगर हम लोग इस चीज़ का इक्वेट दिया गया, और ये क्या दिया आपका लेस देन एप्सिलॉन, इसको इधर ले आ सकते हैं, क्या होगा आपका लेस देन क्या होगा आपका एक्स वन माइनस एक्स टू, ये क्या होगा आपका एप्सिलॉन बाय क्या हो जाएगा फोर। अब हम लोग के पास कंडीशन क्या है, देखें वेन एवर एक्स वन माइनस एक्स टू क्या होना चाहिए आपका, एक्स वन माइनस एक्स टू क्या होना चाहिए आपका, ये वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक्स वन माइनस एक्स टू आपका दिया हुआ एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, तो ये वाला वैल्यू को हम लोग क्या ले लेते हैं डेल्टा ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग अगर डेल्टा ले लेंगे डेल्टा इक्वल्स टू क्या होगा एप्सिलॉन बाय क्या है फोर। हम लोग के पास डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये आपका फंक्शन में आपका ये हम लोग वैल्यू ले लिए हम लोग। अब नाउ अब वी हैव आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वी हैव, यहाँ से जो वैल्यू निकले के आएगा हम लोग के पास एफ एक्स वन माइनस क्या आपका एफ एक्स टू, ये वेन एवर यहाँ पे क्या होगा आपका एक्स वन माइनस एक्स टू यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन माइनस टू से टू, ये आपका